हाय हेलो नमस्कार मुझे सुंदर आपको स्वागत करुच्ची विज्ञान चैनल को। तो पुणी गोटे सुंदर इंटरेस्ट भिडियो आपको वेलकम करुच्ची। और हाँ आज आम भिडियो कौन कथ जाऊे ना पेडियाट्रिक नर्सिंग। तो पेडियाट्रिक नर्सिंग आज मोस्ट इंपोर्टेंट मोस्ट पॉसिबल क्वेश्चन आज डिस्कशन करवा। और हाँ आम यही भाव नर्सिंग रिलेटेड इमेज बेस्ड क्वेश्चन नर्सिंग रिलेटेड एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आम बहुत सारा बहुत क्लास में डिस्कशन कर सारे। जदि आपको देखी ना जाकि डिस्क्रिप्शन में सब भिडियो लिंक अच्छे आपने देखिपारे ना चैनल को भिजिट कर देखिपारे। और हाँ जब आपको भिडियो भल लगी निश्चित भिडियो को लाइक करूँ कमेंट करूँ आपको सांग सहित आप सब ग्रुप भिडियो को सेयार करूँ जमीक सब पिला भिडियोर हेल्पफुल पारे। आ सब भिडियो भाई आम आपको ये भिडियो दुईट इमेज बेस्ड क्वेश्चन पचारूँ जोटा कि आपको आंसर देवार अच्छी। तो भिडियो को देखूँ आ छः नंबर आ नौ नंबर में आम आपको दुईट इमेज बेस्ड क्वेश्चन पचारूँ। तो तार राइट आंसर जब आपको जना अच्छी सांगे सांगे तले कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिखाँ आम आपको कमेंट अपेक्षा रखु आ निश्चिंत आप कमेंटर रिप्लाई देव। आदि आपको राइट आंसर जना ना तो नेक्स्ट भिडियो को वेट करूँ मुझे दुटा क्वेश्चन राइट आंसर सहित नेक्स्ट भिडियो में तार फुल्ली एक्सप्लेनेशन आपको कहीदेवी। आम व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप में जॉइन होना जैसे तले डिस्क्रिप्शन में लिंक अच्छी जैसे शीघ्र शीघ्र जॉइन नहीं से आम किसी भी अपडेट किसी भी न्यू भिडियो आ आपण मैंने सर्वप्रथम पारे। आउ गोटे कथा करूँ यहाँ हूँ आम फोनपे और पेटीएम नंबर जदि आपको भिडियो टी भल लगी टी भी इनफर्मेटिव लगी देन आम हार्डवर्क को आपने सपोर्ट करने किसी भी अमाउंट पे करेंगे। आउ हाँ जो मैंने भी प्रीवियस भिडियो देखिए पेमेंट करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद एम आपको सपोर्ट करता आम आपको एमती इंटरेस्टिंग भिडियो दे चलू। तो आपको रखुची जदि आपने पेमेंट करते तार स्क्रीनशॉट सांगे सांगे नहीं आमको व्हाट्सअप पठातु देन आम आपको नहीं गोटे यूनिक ग्रुप तैयार करें आपको आड करदेबु। तो से आपने मोस्ट पॉसिबल क्वेश्चन पारे आउ आपर किसी एग्जाम रिलेटेड टिप्स पारे। तो जमा भी हाथ छड़ा करूँ ना आ बहुत कम टाइम रहा तो आपठी आपर जी रहा आपने कैपेबुल पे करेंगे 100 टाँग 200 टाँग जहाँ भी पे करेंगे देन से पे करूँ देन आमको स्क्रीनशॉट सेंड कले आम आपको से ग्रुप जॉइन करदेबू। तो जमा भी डेरी करूँ ना टाइम आ बहुत कम समय रहा तो आसतु आज वीडियो को स्टार्ट करवा। आज वीडियो को स्टार्ट करने पूर्व मुझ गत जो वीडियो में दुईट इमेज क्वेश्चन पचारी तार राइट आंसर आपको कह रखुच। तो भलसे देखो फास्ट क्वेश्चन कौन थी ना आइडेंटिफाई द प्रोसीजर परफॉर्म ऑन ए पेशेंट विद द बिलो इमेज। तो देखो ये जो इमेज टी एर कौ प्रोसीजर होती आपको कहार आपको राइट आंसर देवार था। तो ऑप्शन देता है इंट्यूशन होना हाइड्रोटोमी होना क्राइकोथायरोडोटोमी होना ट्राकियोस्टोमी होती ठीक अच्छे। तो भाव ये बहुत पाला इजी हो क्वेश्चन टी तो आर राइट आंसर भाजपा 100% पिला सब पिला जिते जन कमेंट देखी सब पिला राइट आंसर देते। तो राइट आंसर आम कौन हम दैट इज ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दैट इज ट्राकियोस्टोमी ठीक अच्छे। तो ये आम कौ प्रोसीजर होती दैट इज ट्राकियोस्टोमी। तो ट्राकियोस्टोमी कौन आप निश्चित जानते तथापि मुझे एक्सप्लेनेशन देखे देखो। तो कौन दला ना ये ट्राकियोस्टोमी इज एन ओपनिंग क्रिएटेड एट द फ्रंट अफ दि नेक सो ए ट्यूब कैन बी इनसर्टेड इंटु दि वाइंड पाइप दैट इज आम ट्राकिया टू हेल्प यू ब्रीथ इट इफ नेसेसरी द ट्यूब कैन बी कनेक्टेड टू आन ऑक्सीजन सप्लाई एंड ए ब्रीदिंग मशीन दैट इज कॉल्ड वेंटिलेटर। तो कौन कहला ना ट्राकियोस्टोमी गोटे प्रोसीजर जो थे कि आम विंड पाइप ट्राकिया किसी ओपनिंग करी कट करें ना गोटे ट्यूब इनसर्टेड हुए जो थे कि कौन कैर ना सी आमको हेल्प कै ब्रीदिंग नेबारे ठीक अच्छे। तो भाजपा आप निश्चित बुझीपारे। तो देखो आठ कौन कहला ना ये ट्यूबटा ये ट्यूब्रे आम डायरेक्ट ऑक्सीजन भी कनेक्टेड कर देन आमे वेंटिलेटर वेंटिलेटर मशीन को मध्य कनेक्ट करि परबा ब्रीदिंग पे ठीक अछि। तो भाबुजी ए ट्राकियोस्टोमी ऊपर आपण माने नॉलेज पाई गेले तो गोटे प्रोसीजर जो थरे कि हमर ट्राकिया को कट करि बा ट्राकिया को ओपनिंग करि गोटे ट्यूब इंसर्टेड हुए जो थरे कि हमर ब्रीदिंग नेबार हेल्पफुल हुए ठीक अछि। तो आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखु तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन थी ना आइडेंटिफाई द नेल डिजॉर्डर आज सोन इन द फोटोग्राफ ठीक अच्छे। तो यही जो फोटोग्राफ रे जो नेल डिजॉर्डर दे तो से नेल डिजॉर्डर टी कौन आपको ये कहार राइट आंसर देवार था। तो ये भी बहुत पिला राइट आंसर देखते तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो यही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको निश्चिंत गोटे पिला आसो जमा भी व्यस्त हूँ ना निश्चिंत आपने क्वेश्चन को फेस करेंगे ठीक अच्छे। तो ऑप्शन कौन देता ना आनो नाइचिया ना काइलो नाइचिया ना क्लबिंग ना मेलानो नाइचिया। तो कौन आर राइट आंसर कौन हम तो राइट आंसर आम कौन दैट इज जोटा कि बहुत पिलामानंकर राइट आंसर थिला दैट इज ऑप्शन बी कोइलो नाइचिया ठीक अच्छे। तो ये जो डिजिटल इमेज देता आम हूँ कोइलो नाइचिया। तो कोइलो नाइचिया कौन आपको मुझे एक्सप्लेनेशन में कहीदेवि जमा व्यस्त हूँ ना भिडियो को लास्ट पर्यटन देखते बिना स्किप कर ठीक अच्छे। तो यही प्रोसीजर कौन है ना आम कोइलो नाइचिया। तो आम कोइलो नाइचिया देखा एक्सप्लेनेशन। तो देखो
ତ କ'ଣ କହିଲା ନା ସ୍ପୁନ୍ ନେଲ୍ସ ଅଦରୱାଇଜ୍ କଲ୍ କ'ଣ ନା କୋଇଲୋ ନାଇଚିଆ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ଇମେଜ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଆଙ୍ଗୁଠିଟା କେମିତି ହେଇଯାଇଛି, ପୁରା ସ୍ପୁନ୍ ନେଲ୍ ବା ଆମର ଚାମଚ ଭଳି ହେଇଯାଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆର୍ ସଫ୍ଟ ନେଲ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ଲୁକ୍ ସ୍କୁପ୍ ଆଉଟ୍ ଦ ଡିପ୍ରେସନ୍ ୟୁଜୁଆଲି ଇଜ୍ ଲାର୍ଜ ଏନଫ୍ ଟୁ ହୋଲ୍ଡ ଏ ଡ୍ରପ୍ ଅଫ୍ ଲିକ୍ୱିଡ୍। ଅଫନ୍ ସ୍ପୁନ୍ ନେଲ୍ସ ଆର୍ ଏ ସାଇନ୍ ଅଫ୍ ଆଇରନ୍ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଏନିମିଆ ଅର୍ ଏ ଲିଭର୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ହେମୋ କ୍ରୋମାଟୋସିସ୍, ଇନ୍ ହୁଇଜ୍ ୟୋର୍ ବଡି ଆବଜର୍ବସ୍ ଟୁ ମଚ୍ ଆଇରନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଫୁଡ୍ ୟୁ ଇଟ୍। ତ କ'ଣ କହିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମର ସ୍ପୁନ୍ ନେଲ୍ ବା ଆମର କୋଇଲୋ ନାଚିଆ କ'ଣ ନା ଆମର ଯେଉଁ ନେଲ୍ ଥାଏ ବା ଆମର ଯେଉଁ ସଫ୍ଟ ନେଲ୍ ଥାଏ ସେଇଟା କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ସ୍କୁପ୍ଡ ଆଉଟ୍ ହେଇଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଚାମଚ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥାଏ। ତ ଦୁଇ ସାଇଡ଼ଟା ଆମର ଉଠିକି ଥାଏ ଆଉ ଭିତରଟା ମାନେ ପୁରା ଦବିକିରି ଥାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦ ଡିପ୍ରେସନ୍ ୟୁଜୁଆଲି ଇଜ୍ ଲାର୍ଜ ଏନଫ୍ ଟୁ ହୋଲ୍ଡ ଏ ଡ୍ରପ୍ ଅଫ୍ ଲିକ୍ୱିଡ୍। କ'ଣ କହିଲା ନା ଡିପ୍ରେସନ୍ଟା ଏତେ ହେଇଥାଏ ଯେ କି ସେଥିରେ ଆମେ କିଛି ଡ୍ରପ୍ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ବି ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଅଫନ୍ ସ୍ପୁନ୍ ନେଲ୍ସ ଆର୍ ଏ ସାଇନ୍ ଅଫ୍ ଆଇରନ୍ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଏନିମିଆ ଅର୍ ଏ ଲିଭର୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ହେମୋକ୍ରୋମାଟୋସିସ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ମେନ୍ଲି କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଖାଯାଏ ନା ଆଇରନ୍ ଡେଫିସିଏନ୍ସି କେସ୍ରେ, ଆଇରନ୍ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଏନିମିଆ କେସ୍ରେ, ଆଉ କେଉଁ କେସ୍ରେ ନା ଲିଭର୍ର ଯେଉଁ ଗୋଟେ କେସ୍ ଅଛି ବା କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ହେମୋ କ୍ରୋମାଟୋସିସ୍ରେ, ଏଇଟା ମେନ୍ଲି ଦେଖାଯାଏ ନା କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଖାଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇନ୍ ହୁଇଜ୍ ୟୋର୍ ବଡି ଆବଜର୍ବସ୍ ଟୁ ମଚ୍ ଆଇରନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଫୁଡ୍ ୟୁ ଇଟ୍। ତ ଆମର ହେମୋକ୍ରୋମାଟୋସିସ୍ରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମେ ଯେଉଁ ମାନେ ଆଇରନ୍ ଇନଟେକ୍ କରୁ ସେଟା କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମ ବଡିଟା ବହୁତ ଆବଜର୍ବସନ୍ କରିଥାଏ ଆଇରନ୍, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆଇରନ୍ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଏନିମିଆ ଦେଖାଯାଏ ହେମୋକ୍ରୋମାଟୋସିସ୍ରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆମର ଆଇରନ୍ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଏନିମିଆ ହେଲେ ଆମେ କେଉଁଭଳି ଦେଖିବା ନେଲ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆମର ସ୍କୁପ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଥିବ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ସ୍ପୁନ୍ ନେଲ୍ସ ବା ଆମର କୋଇଲୋ ନାଇଚିଆ ହେଇଯାଇଥିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଜମା ବି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବେନି, ଦେଖନ୍ତୁ କୋଇଲୋ ନାଇଚିଆ ଯେଉଁଟାକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ଟା ଆଉଟ୍ ହେଇ ମାନେ ଟିକେ ବାହାରି ଯାଇଛି, ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିତରଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଭଳି ଭାବେ ପଶିଛି, ଯେଉଁଠିକି ଆମେ କିଛି ଲିକ୍ୱିଡ୍ ବି ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲସେ ଇମେଜ୍ଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ବା କେମିତି ନେଲ୍ଟି ଅଛି, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯଦି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଫେସ୍ କରିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଭଲସେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବୁଝା ପଡ଼ୁନି ଦେନ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଟିକେ ପଛକୁ ନେଇକରି ଦେଖନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ମନେ ରହୁନି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏବେ ଖାତା କଲମରେ ଲେଖିକି ରଖନ୍ତୁ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କ୍ଲାସ୍କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ପିଡିଆଟିକ୍ର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକ ନମ୍ବର, ବାର୍ଥ ୱେଟ୍ ଅଫ୍ ଏ ନ୍ୟୁ ବର୍ନ ବେବି ଇଜ୍ 3 kg, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ୱେଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ବେବି ଆଟ୍ 1 year ଅଫ୍ ଏଜ୍। କ'ଣ କହିଲା ନା ବାର୍ଥରେ ଜଣେ ବେବିର କେତେ ୱେଟ୍ ଥିଲା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ବାର୍ଥରେ ଥିଲା 3 kg, ଦେନ୍ 1 year ଏଜ୍ରେ ତାର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ଆମର ୱେଟ୍ କେତେ ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ପଚାରିଛି। ଅପ୍ସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, 6 kg ହେବ ନା 9 kg ହେବ ନା 12 kg ହେବ ନା 15 kg ହେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ 1 year ବେଳେ ତାର କେତେ କେଜି ୱେଟ୍ ହେବ ଯେତେବେଳେ କି ତା ବାର୍ଥ ୱେଟ୍ କେତେ ଥିଲା ନା 3 kg, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ଭାବୁଛି, ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ବହୁତ ପିଲାମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ବହୁତ ପିଲାମାନେ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଜାଣିଥିବେ। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଜଣା ଅଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଇ 4ଟି ଅପ୍ସନ୍ ଭିତରୁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ, ଯଦି ଗୋଟେ ବେବିର 3 kg ଅଛି କ'ଣ ନା ଆମର ବାର୍ଥ ଟାଇମ୍ରେ, ତ ଯଦି ବାର୍ଥ ଟାଇମ୍ରେ ଆମର 3 kg ୱେଟ୍ ଅଛି, ଆମର 1 year ବେଳେ କେତେ ହେବ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ 3 × 3, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ 9 kg। କ'ଣ ପାଇଁ 3 × 3 କହିଲି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆମର 1 year ଅଫ୍ ଏଜ୍ରେ ଆମର କ'ଣ ହୁଏ ନା ଯେତିକି ବାର୍ଥ ୱେଟ୍ ଆମର ଥାଏ ଟ୍ରିପଲ୍ ହେଇଯାଏ ବା ଆମର 3 times ହେଇଯାଏ। ତ ଯେଉଁଟାକି ବେବିର ବାର୍ଥ ଅଛି କେତେ ନା 3, ତ 8 1 year, ତ 1 year ଆମର କେତେ ହେବ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଟ୍ରିପଲ୍ ହେବ। ତ 3 × 3 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ 9। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ 9 kg, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ 9 kg ହେଇଯିବ, 1 year ଆମର ବେବିର ୱେଟ୍ ଟ୍ରିପଲ୍ ହୁଏ। ତ ଯେହେତୁ ଏଠି 3 ଦେଇଥିଲା ଆମର 3 × 3, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅପ୍ସନ୍ ବି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ 9 kg। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି କେଉଁ ଏଜ୍ରେ କେତେ କ'ଣ ଏଜ୍ ବଢ଼େ। ତ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ଆଗ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା, ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ୟୋର ବେବି ଟୁ ଡବଲ୍ ହିଜ୍ ହର୍ ୱେଟ୍ ବାଇ ଏବାଉଟ୍ ଏଜ୍ 5 months। ତ କ'ଣ କହିଲା ନା ବାଇ ଏବାଉଟ୍ 5 months ଆମର ବେବିର ୱେଟ୍ କେତେ ଗୁଣା ହୁଏ ନା ଡବଲ୍ ହୁଏ, ଯେ ବାର୍ଥ ୱେଟ୍ର ଡବଲ୍ ହୁଏ 5 months। କିନ୍ତୁ ଫ୍ରମ୍ ଏଜେସ୍ 6 to 12 weeks ଏ ବେବି ମାଇଟ୍ ଗ୍ରୋ 3 to 8 inches ଏ ମନ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ଏ ଗେନ୍ 3 to 5 pounds ଏ ୱିକ୍। ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ୟୋର ବେବି ଟୁ ଟ୍ରିପଲ୍ ଅର୍ ହିଜ୍ ଅର୍ ହର୍ ୱେଟ୍ ଏବାଉଟ୍ ଏଜ୍ 1 year। ତ କ'ଣ କହିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି କେତେ ନା 5 months ଆମର ବେବିର ୱେଟ୍ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଡବଲ୍ ହେଇଯାଏ
देन आमर वन इयर रे बेबी रो वेट ट्रिपल हो जाए। ठीक अच्छे आपको यही दुटार पॉइंट मन रखार अच्छे जमीक आप भी क्वेश्चन आसो आपको से तीन जगह पाँच दे पारे दस दे पारे पंद्रह दे पारे जहाँ भी दे पारे तीन जगह तो से आपको डबल कि ट्रिपल करार अच्छे। ठीक अच्छे तो आपको मुझे देखे दूसरी गोटे चार्ट देखु तो चार्ट टी कौन दे देखु आवरेज वेट चार्ट फॉर चिल्ड्रेन। ठीक अच्छे एज ऑफ द बेबी दैट इज वेट ऑफ द बेबी तो आम एक्सपेक्टेड गोटे दे देखु जदि बार्थ टाइम रे गोटे बेबी रो वेट अच्छी एक्स देन फिफ्थ टू सिक्स मंथ रे तार हो केते एज टू एक्स हे वन इयर के दैट इज थ्री एक्स हे बा ट्रिपल हो टू इयर्स रे केते हबो दैट इज फोर एक्स हे देन थ्री इयर्स रे केते हबो दैट इज फाइव एक्स हे फाइव इयर्स रे केते हबो दैट इज सिक्स एक्स हे देन सेवेन इयर्स रे केते हबो दैट इज सेवेन एक्स हे टेन इयर्स रे केते हबो दैट इज टेन एक्स हे। ठीक अच्छे तो ये देखो दे दिला केते ना अप्रोक्सीमेट वैल्यू आर गिवेन इन द टेबुल एक्स डिनोट्स बाथ वेट ऑफ द बेबी। ठीक अच्छे तो आमर जदि बाथ वेट आमर जदि एक्स हुए देन यही जो मंथ देजी बा इयर देजी आमर से हिसाब से यही आपण माने हिसाब कर देबे आमर यही हिसाब से आमर बेबी रो वेट इनक्रीज करिवो। ठीक अच्छे तो भाबुजी आपण निश्चिंत बुझी पारले तो आपको आपण माने स्क्रीनशॉट भी मध्ये कर रखि परिबे तो जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट कर दियंतु नले वीडियो को पज करी आग लिखिकी नोट कर रखत। ठीक अच्छे तो आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जी तो नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखते आप कौन अच्छी दुई नंबर इन द स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट द इन्फेंसी एक्सटेंड्स फ्रॉम तो कौन कहला देखो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जोटा कि बहुत कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन देखो आमर ये कौन पचार ग्रोथ आउ डेवलपमेंट रे द इन्फेंसी एक्सटेंड्स फ्रॉम तो आम इन्फेंसी को केतरु केते भितरे धरू। ठीक अच्छे तो देखा आर ऑप्शन कौन दे बाथ टू फोर वीक्स आमर इन्फेंसी पीरियड ना फोर वीक्स रु वन इयर हूँ आमर इन्फेंसी पीरियड ना बाथ टू वन इयर हूँ आमर इन्फेंसी पीरियड ना वन टू थ्री इयर्स हूँ आमर इन्फेंसी पीरियड। ठीक अच्छे तो राइट आंसर कौन हम आम इन्फेंसी पीरियड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रे आमर केतरु केते वीक बा केतरु केते दिन। ठीक अच्छे तो राइट आंसर कौन हम दैट इज ऑप्शन देखिए आपको जब राइट आंसर जाना थी सांगे सांगे तले कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिंतु तो मुझर न कह पूर्व जल्दी जल्दी कमेंट कर दिंतु तो मुझे आंसर कहले आपर कि हाँ मोर आंसर ठीक था कि भूल था तो राइट आंसर कौन हम दैट इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दैट इज फोर वीक्स टू वन इयर दैट इज 28 डेज टू वन इयर। ठीक अच्छे तो देखु आपको एक्सप्लेनेशन में कही रखुच्छी एक्सप्लेनेशन में कौन देखूँ आपन को गोटे टेबुल देखे जो थे कि आपणीपर कि आमर केतरु केते एज सब थाए। ठीक अच्छे तो देखो पोस्ट नाटाल पीरियड आफ्टर बाथ पीरियड में आमर कौन ना फास्ट हूँ न्यूनेट न्यूबॉर्न तो न्यूबॉर्न रेत दैट इज जीरो टू 28 डेज इन्फेंसी रे देखु 29 बा 28 पर 28 पर टू आमर वन इयर जाए आम कौन बोली कहूँ ना इन्फेंस पीरियड बोली कहूँ देन टोडलर केते दैट इज वन टू थ्री इयर भितर आम टोडलर कहूँ देन प्री स्कूल चाइल्ड केते दैट इज थ्री टू सिक्स इयर्स जाए आम प्री स्कूल चाइल्ड बोली कहूँ स्कूल गोइंग चाइल्ड केवे दैट इज सिक्स टू टेन इयर्स जाए आम कौन बोली कहूँ दैट इज आमर स्कूल गोइंग चाइल्ड देन आडोलसेंट पीरियड केते दैट इज प्यूबर्टी टू आडल्टहुड आम कहूँ आडोलसेंट एर्ली आडोलसेंट 12-14 मिडिल आडोलसेंट 14-16 देन लेट आडोलसेंट 16-20। ठीक अच्छे तो ये पॉइंट सब आपश्चिंत मन रखु देखु के मानते केतरु केते दिन आम न्यूनेट केतरु केते इयर हो इन्फेंसी केतरु केते इयर टोडलर प्रिस्कुलर आम आडोलसेंट युव को बेले बेले क्वेश्चन आसो आपको पेडियाटिक्स। ठीक अच्छे तो पेडियाटिक्स भी बहुत गुड़ी क्वेश्चन आसता है ओट्रिपल्स तो जमा भी यही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को हाथ छड़ा करेंगे ना तो ठीक अच्छे तो भाई आपश्चिंत बुझीपारे ना स्क्रीनशॉट कर रखु तुम नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा तीन नंबर देखु अनएनसेफाली मीन्स तो कौन कहला ना अनएनसेफाली माने कौन आपको राइट आंसर कहार अच्छे तो देखो ऑप्शन ए कौन दे फ्लाटेनिंग ऑफ वन साइड ऑफ ब्रेन तामने होची अनसेफाली ना प्रीमैच्योर क्लोजर ऑफ कोरोनल सुचर तामने अनसेफाली ना आबसेन्स ऑफ मेजर पर्सन ऑफ ब्रेन तामने होची अनएनसेफाली ना ऑल ऑफ द अबव होची हमर राइट आंसर तो राइट आंसर एटी कौन हम देखु कौन दे ना अनएनसेफाली माने कौन जदि आपने जानते अनएनसेफाली कौन देन आपड़ी सांगे सांगे राइट आंसर दे पारे तो ये राइट आंसर कौन हम जब आपको जना था सांगे सांगे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिंतु तो राइट आंसर आपको कही रखुच्छी मन रखुदूँ तो राइट आंसर कौन हम दैट इज
ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, दैट इज आब्सेंस ऑफ मेजर पर्सन ऑफ ब्रेन। तो कौन ना अनएनसेफाली रे हमर कौन होता है ना हमर ब्रेन रो जो मेजर हमर रहिला पर्सन सेटा तैयारी नथाय बा हमर आब्सेंस थाय, तो सही केस को हमें कौन बोली कहते हो दैट इज अनएनसेफाली। ठीक अछि अपन को मु तार एक्सप्लेनेशन भी देखि देबी, तार इमेज भी देखि देबी, तो जमा भी ओरिड होनु नै। तो देखंतु एक्सप्लेनेशन, अनएनसेफाली इज द आब्सेंस ऑफ ए मेजर पर्सन ऑफ द ब्रेन स्कल एंड स्कल्प दैट अकर्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। इट इज ए केफालिक डिजॉर्डर दैट रिजल्ट्स फ्रॉम ए न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट दैट अकर्स व्हेन द रूस्ट्रल बा आमर हेड एंड ऑफ द न्यूरल ट्यूब फेल्स टू क्लोजर यूजुअली बिटवीन 23rd एंड 26th डे फॉलोइंग कंसेप्शन। तो कौन कहला देखंतु अनएनसेफाली कहले कौन, दैट इज आब्सेंस ऑफ मेजर पर्सन ऑफ द ब्रेन स्कल एंड स्कल्प। तो मेनली आमर कौन हुए ना ब्रेन रो मेजर पर्सन आमर आब्सेंस थाए बा फॉर्मेशन हेइन थाए। ठीक अछि, तो एटा होछ गोटे केफालिक डिजॉर्डर जोटा कि आमर कौन पे हुए, दैट इज न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट रे आमर ए प्रॉब्लम टा हेइ थाए। ठीक अछि, तो मेनली कौन हुए ना अनएनसेफाली केस रे जम्मा भी पिला माने रिवाइव करिवार बा बंचिवार बहुत कम चांस थाए। मेनली एटा प्राय आमर माने मदर रो प्रेगनेंसी टाइम रे ही डेथ हो जाए। ठीक अछि, आ जदि भी आमर माने डिलीवरी होउची देन पिलाटी बो माने किछि दिन भितरे आमर किछि मास भितरे डेथ करि जाय थे। तो एथिरे आमर मेनली चाइल्ड रो बर्थ पॉसिबल होइ नथे। ठीक अछि, तो भाउज आपण माने निश्चित बुझी पारले। तो आपण को इमेज रे इमेज टी देखि दोजु देखंतु, तो इमेज टी देखंतु आमर अनएनसेफाली कहले कोन देखंतु ब्रेन टी आमर भलो से फॉर्मेशन हेइ नाही। ठीक अछि, जो भली भाबे आमर स्कल रहिबा कथा आमर जाहे भी सब ब्रेन रो पार्ट रहिला से सब रहिबा कथा, तो से सब आमर फॉर्मेशन हेइ नथे। तो तार इमेज टी देखंतु बोलचे एटा होजे आमर अनएनसेफाली रो इमेज। ठीक अछि, तो आपण को देखि दोजु आमर नॉर्मल आउ आमर जदि आमर अनएनसेफाली होचे ता भितरे डिफरेंस कोन देखंतु, एटा जे आम नॉर्मल ब्रेन जो थे कि आम कौन रहा ना फुल्ली डेवलप्ड ब्रेन होती आ ब्रेन स्टेम भी अच्छी, किंतु अनएनसेफाली कौन हुए ना आम ब्रेन स्टेम तो थाए किंतु अंडर डेवलप्ड ब्रेन देखो ब्रेन आम भलसे डेवलप होनी जोटा कि देखो यही भाव आम डेवलप होगा कथा ब्रेन आम स्कल आम स्कल्प किंतु देखो आम ब्रेन टोटाल फॉर्मेशन होनी। तो ठीक अच्छे ये अनएनसेफालीटा हूँ कौन ना आम गोटे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। तो ठीक अछि, आमे नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। तो नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखंथ आपन पई कोन अछि, चार नंबर, सनसेट साइन इज सीन इन व्हिच कंडीशन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक अछि, तो सनसेट बा हमर सूर्यास्त साइन को केस रे देखा जाय आपन गोटी कहिबार अछि राइट आंसर देबार अछि। देखंथ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ऑप्शन कोन दै छी ना पाइलोरिक स्टेनोसिस ना ट्रेटालोजी ऑफ फालेट रे देखा जाय ना सीजर्स रे देखा जाय ना हाइड्रोकेफालस रे देखा जाय। ठीक अछि, तो देखिबा केते पिला को राइट आंसर जणा छी। बाबूजी क्वेश्चन सब टिके हार्ड जेबतिबो किंतु एई भली आपन को निश्चिंत क्वेश्चन आसीबो एमती आपन माने पढा र जारी देखंतु जेमति कि ओ ट्रिपल एस रे आपन माने निश्चिंत गोटे सीट पाई परबे। तो वीडियो को जेते परचंदी शेयर करंतु आपन को संग माने सहित आपन को सब ग्रुप रे आ एमती हम को सपोर्ट करतांतु आमे एई भली हबे इंटरेस्टिंग वीडियो आपन पई नै आसीबो। तो ठीक अछि, तो आर राइट आंसर कोन हबो जदि आपन को जणा थाए संगे संगे ए चारिटी ऑप्शन अपन माने कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देबे राइट आंसर। ठीक अछि, तो आर राइट आंसर आपन कोइ रखुची देखंतु सनसेट साइन इज सीन इन, तो हमर सनसेट साइन हमर को केस देखा जाए दैट इज ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दैट इज हाइड्रोकेफालस। ठीक अछि, तो सनसेट साइन हमर कोते देखा जाए को केस देखा जाए दैट इज हाइड्रोकेफालस। ठीक अछि, तो आपको एक्सप्लेनेशन देखिए देवी इमेज भी देखिए देवी जमी आप जमा भी भूलेंगे। ठीक अच्छे, तो देखो सनसेट आई आम कमी देखा जाए हाइड्रोकेफालस आगे एक्सप्लेनेशन देखी नि। तो देखो एक्सप्लेनेशन कौन दे तो सेटिंग सनसाइन इज एन ऑप्थाल्मोलॉजिक फेनोमेनन व्हेयर द आईज अपीयर ड्राइवन डाउनवर्ड बाइलेटरली द इनफेरियर बॉर्डर ऑफ द पीपल इज ऑफन कवर्ड बाय द लोअर आईलिड क्रिएटिंग द सनसेट अपीयरेंस दिस फाइंडिंग इज क्लासिकली एसोसिएटेड विथ हाइड्रोकेफालस इन इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रेन। तो देखंतु कौन कहला एटी ना सनसेट बा हमर सेटिंग सनसाइन हमर को केस रे देखा जाए दैट इज हमर ऑप्थाल्मोलॉजी बा हमर आखिरे देखा जाए को केस रे ना देखंतु हमर हाइड्रोकेफालस केस रे देखा जाए जो थरे कि कौन हुए बा हमें सनसेट हमें काई कि कहिथौ ना द इन्फेरियर बॉर्डर ऑफ द पीपल इज ऑफन कवर्ड बाय द लोअर आईलिड। तो हमर पीपल जोटा रहिला ताको हमर लोअर आईलिड कोन करे ना कवर कर दिए जोटा कि कौन देखा जाए ना सनसेट अपीयरेंस रो सूर्यास्त टाइम रे जेंति हमर देखा जाए सूर्य तो सेई टाइप रे हमर देखा जाए। ठीक अछि, तो देखंतु आपन को इमेज टी देखै दोची सेटा हमर हाइड्रोकेफालस रे केमिति देखा जाए देखंतु एटा हमर हाइड्रोकेफालस तो जोथरी कि हमर बेबी रो हेड हमर
মানে বড় অছি যাকে আমি হাইড্রোকেফালাস কু। তো হাইড্রোকেফালাস দেখন্তু দেখন্তু তার আখিটি দেখন্তু কেমিতি হেইছি দেখন্তু ভালসে দেখন্তু আগ সনসেট কু মনে আনন্তু আপনার মানে নিশ্চিন্ত বুঝি পারবে সনসেট। তো সূর্যাস্ত আমার হেলা বলে দেখা যাচ্ছে না নাই আপনার মানে ইমেজ রু ডাইরেক্ট দেখন্তু নিশ্চিন্ত বুঝি পারবে। তো দেখন্তু গোটে আখি কি নিয়ন্তু তো দেখন্তু আমার এটি কোন হেইছি তো দেখন্তু আমার যে পিপিলটা রহিলা বা আমার যে কলা ডোলাটি রহিলা সে কোন হেইছি না আমার যে তল আইলিডটা রহিলা তা দেহরে কভর হেইছি দেখন্তু যেটা কি আমার কোন ভাবে দেখা যাচ্ছে না সূর্য যেমনি বুড়ি যাচ্ছেন বা আমার সূর্য অস্ত হেলা ভাই দেখা যাচ্ছে। তো ঠিক আছে, তো ভাবছি আপনার মানে নিশ্চিন্ত বুঝি পারলে ইমেজটি মধ্যে আপনার নিশ্চিন্ত হেল্পফুল হয়ে থাকে বুঝিবার। তো ঠিক আছে, আমি নেক্সট কোশ্চেন কু যা। তো নেক্সট ইন্টারেস্টিং কোশ্চেন দেখুন কোণ দিয়েছি না এক্সট্রিমলি লো বার্থ ওয়েট বেবিজ হ্যাভ এ বার্থ ওয়েট অফ। তো আমি এক্সট্রিমলি লো বার্থ ওয়েট বেবি কেতে গ্রামর বা কেতে কেজির গোটে বেবি হলে আমি তাকে এক্সট্রিমলি লো বার্থ ওয়েট বেবি বলে কইবা, যেটা কি আমার কোণ না ইএল বিডব্লু। ঠিক আছে, এক্সট্রিমলি লো বার্থ ওয়েট। তো আপনার তো জানিবে লো বার্থ ওয়েট বেবি কহিলে কেতে, তো আপনার এতে কেদেবি সবু আগে অপশন দেখুন অপশন কোণ দিয়েছি না এক্সট্রিমলি লো বার্থ ওয়েট কহিলে আমার হাজার রু পনেরশ গ্রাম ওয়েট বেবি না লেস দ্যান ওয়ান থাউজেন্ড গ্রাম বেবি না আমার অড়াই হাজার রু তিন হাজার গ্রাম না আমার পনেরশ রু অড়াই হাজার গ্রাম। এক্সট্রিমলি লো বার্থ ওয়েট বেবি কহিলে আমার এটি কেতে গ্রাম বলে আপনার এটি কোশ্চিনটি পচারিছি। তো ঠিক আছে, তো দেখবা আর রাইট আনসর কোণ হব যদি আপনার জনা থাকে নিশ্চিন্ত তলে কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করে দিও। তো আর রাইট আনসর কোণ হব আপনার কহি রাখুছি দেখুন আমার এক্সট্রিমলি লো বার্থ ওয়েট বেবি কহিলে দ্যাট ইজ অপশন বি ইজ দ রাইট আনসর লেস দ্যান ওয়ান থাউজেন্ড গ্রাম। তো আমার যদি গোটে বেবির বার্থ টাইম্র ওজন লেস দ্যান ওয়ান থাউজেন্ড দ্যাট ইজ আমার ওয়ান কেজি রু কম থাকে তাকে আমি কোণ বলে কহিবা দ্যাট ইজ এক্সট্রিমলি লো বার্থ ওয়েট বেবি। ঠিক আছে, তো ভাবছি আপনার নিশ্চিন্ত বুঝি পারলে। তো আপনার দেখাই দেবি এক্সপ্লেনেসন আপনার মধ্যে কহিদেবি যেমনি রহিলা এক্সট্রিমলি লো বার্থ ওয়েট কহিলে কেতে আমার লো বার্থ ওয়েট বেবি কহিলে কেতে। তো দেখুন এক্সপ্লেনেসন ফার্স্ট দেখি নিয়ন্তু এক্সপ্লেনেসন কোণ দিয়েছি এক্সট্রিমলি লো বার্থ ওয়েট বেবি যেটা রহিলা ইএল বিডব্লু হ্যাভ এ বার্থ ওয়েট লেস দ্যান ওয়ান থাউজেন্ড গ্রাম দে কম্প্রাইজেস এ ইউনিক সব ক্লাস অফ দি পপুলেসন অফ লো বার্থ ওয়েট বেবিজ উইথ ওয়েট পঁচিশশো গ্রাম। তো এটা হচ্ছে আমার লো বার্থ ওয়েট ওয়েট বেবিজর গোটে সব ক্লাস যেটা কি আমার কোণ হুয়ে না হাজারে গ্রাম রু যদি আমার কম রয়েছে তাকে আমি কোণ বলে কু দ্যাট ইজ এক্সট্রিমলি লো বার্থ ওয়েট বেবিজ। ঠিক আছে, তো আপনার দেখাই দেছি দেখুন এটি কোণ কহিলা দেখুন আমার যদি পনেরশো রু আমার পঁচিশশো গ্রাম রয়েছে বেবির বার্থ ওয়েট আমি তাকে কোণ বলে কু দ্যাট ইজ আপনার মানে জানিবে লো বার্থ ওয়েট আমি কই থাকু। ঠিক আছে, দেখুন দেন যদি আমার হাজার রু পনেরশো গ্রাম রহিলা তাকে আমি কোণ কু দ্যাট ইজ ভেরি লো বার্থ ওয়েট বেবি। দেন যদি আমার লেস দ্যান ওয়ান থাউজেন্ড গ্রাম রহিলা যেটাকি আমার রাইট আনসর এটি হয়েছিল দ্যাট ইজ কোণ এক্সট্রিমলি লো বার্থ ওয়েট বেবি। তাকে আপনার মানে নিশ্চিন্ত স্ক্রিনশট করে রাখুন নহলে আপনার মানে লেখিকি রাখুন। ঠিক আছে, তো এটা মধ্যে আপনার বহুত জায়গায় কোশ্চিনে আসিপারে। তো ঠিক আছে, নেক্সট কোশ্চিন কু যা। নেক্সট কোশ্চিন দেখুন ইন্টারেস্টিং কোশ্চিন আপনার কোণ অছি ইমেজ বেসড কোশ্চিনটি যেটা কি আপনার রাইট আনসর দেবার অছি। ঠিক আছে, তো ভালসে দেখুন দ মাস্ক শোন ইন দ ইমেজ ইজ নোন আজ। তো দেখুন এই যে ইমেজরে যে মাস্কটি দিয়েছি তো সেটা কেউ মাস্ক এটি আপনার রাইট আনসর কহিবার অছি। এই কোশ্চিন রাইট আনসর যদি আপনার জনা থাকে সাগে সাগে যাই তলে কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করে দিও। আমি আপনার কমেন্টর নিশ্চিন্ত অপেক্ষার অছু, নিশ্চিন্ত রিপ্লাই দেবু আমি জাঁপারু পিলা মানে কেতে কনসিয়সনেস হয়েকি পড়ুছেন বলে। তো ঠিক আছে, ফার্স্ট অপশন দেখি নিও, এটা আমার সিম্পল ফেস মাস্ক না এটা নেবুলাইজেসন মাস্ক না এটা নন রিব্রিথ মাস্ক না এটা ভেঞ্চুরি মাস্ক। ঠিক আছে, তো দেখিবা কেতে পিলাঙ্কু রাইট আনসর জনা আছি বা কেতে পিলাঙ্কু রাইট আনসর আসুছি। তো যদি আপনার রাইট আনসর আসুথায় বা জনা থাকে সাগে সাগে যাই তলে কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করে দিও। ঠিক আছে, তো আর রাইট আনসর কোণ হব আমি আপনার কমেন্টের অপেক্ষার রইলু। তো দেখুন এই চারিটি অপশন ভিতর আপনার রাইট আনসর বাছিবার অছি। তো ভালসে ইমেজটি দেখুন এটা কেউ মাস্ক আপনার মানে নিশ্চিন্ত ডে টু ডে লাইফে আপনার মানে যদি ক্লিনিক্যাল সেক্টরের কাম করছেন আপনার মানে নিশ্চিন্ত আগে দেখবাক পাইবে। তো দেখিবা কেতে পিলা মানে আর রাইট আনসর দৌঁচ। যদি আপনার রাইট আনসর জনা না থাকে জমা বিডি হুঁতু না আমি আপনার নেক্সট ভিডিওরে আর রাইট আনসর সহ আপনার ফুলি এক্সপ্লানেসন করাই দেবু। তো ঠিক আছে, আমি এবার নেক্সট কোশ্চিন আড়ু যা। তো দেখুন সাত নম্বর কোশ্চিন কোণ দিয়েছি না সিকুয়েন্স অফ টেকিং ভাইটাল সাইন ইন এ নিউ বর্ন ইনফ্যান্ট ইজ। তো কোণ কহিলা না আমি কেউ সিকুয়েন্সরে বা আমি কাহা পরে কাহাকু দেখিবা বা আমি কেউ ভাইটাল সাইন আগ দেখিবা দেন তাপরে কোণ দেখিবা গোটে নিউ বর্ন ইনফ্যান্ট কেসরে। ঠিক আছে, তো ভাবছি আপনার মানে কোশ্চিন বুঝিগলে। তো অপশন দেখুন অপশন কোণ দিয়েছি ফার্স্ট অপশন টিপিআর, টিপিআর মানে কোণ না দ্যাট ইজ টেম্পারেচর পলস রেসপিরেসন
ना ऑप्शन बी पीआरटी जोड़ा रहा कौन ना पल्स रेस्पिरेसन एंड टेम्परेचर आउ गोटे रहा कौन दैट इज आरपीटी जोटा रहा रेस्पिरेसन पल्स टेम्परेचर ना ऑप्शन डी जोटा रहा रेस्पिरेसन टेम्परेचर एंड पल्स तो ठीक अच्छे तो कौ सिक्वेन्स आम भाइटाल सैन मेजर करवा टेकिंग करवा गोटे न्यू बर्न इनफैंट रे तो राइट आंसर कौन हम देखो ये आपको पचार न्यू बर्न इनफैंट केस रे कौ सिक्वेन्स आपको नेबार अच्छे वाइटल साइन तो यही भाव क्वेश्चन आपको निश्चिंत कन्फ्यूज कर तो जमा भी कन्फ्यूज हुएनि निश्चिंत मन रखुद थे जमी कहू जमा भी भूलेंगे तो ठीक अच्छे सात नंबर राइट आंसर कौन हम दैट इज ऑप्शन सी रेस्पिरेसन पल्स एंड टेम्परेचर तो आम ए सिक्वेन्स वाइटल साइन को मेजरमेंट करवा दैट इज आम लो इनवेसिव रु आम हाई इनवर्सिव आड़ जीबा तो ठीक अच्छे तो फास्ट आम मेजरमेंट करवा रेस्पिरेसन देन पल्स देन आम टेम्परेचर तो ठीक अच्छे तो आपको मुझे देखे दूँ आम कौन फास्ट आम रेस्पिरेसन को मेजरमेंट करवा आप निश्चित बुझीपारे तो एक्सप्लेनेशन देखो रेस्पिरेसन पल्स टेम्परेचर दिस सिक्वेन्स इज लिस्ट डिस्टर्बिंग टचिंग विथ स्टेथोस्कोप एंड इनसर्टिंग द थर्मोमीटर इनक्रीजेस एंजाइटी एंड एलिवेट वाइटल साइन तो कौन कहला ना आम कौ सिक्वेन्स मेजरमेंट करवा दैट इज रेस्पिरेसन पल्स टेम्परेचर तो आप मन में क्वेश्चन आसो कि आम रेस्पिरेसन को कौन पर फास्ट मेजरमेंट करवा ठीक अच्छे तो मुझे कहली कि आम लो इनवेसिव रु हाई इनवेसिव को जी तो देखो आमर पल्स आउ टेम्परेचर में आपको कौन ना स्टेथोस्कोप रखा पड़ो ना थर्मोमीटर रखा पड़ो टेम्परेचर मापापी कि रेस्पिरेसन मापापर केवल चेस्टर रईज आउ डाउन को देखार अच्छी तो आमर से कौन ना आम लेस डिस्टर्बिंग आउ कौन ना मेनली आम जो कि स्टेथोस्कोप रखुचे पिलार ऊपर आम कि थर्मोमीटर यूज करुचे देन कौन हुए ना पिलाटी इरीटेट हुए कांदे से केस्रे कौन हुए ना आम भाइटाल डिफरेन्ट होता है आम रेस्पिरेसन रेट बढ़ी जाता है पल्स रेट भी बढ़ी जाता है तो से आम कौन करूँ ना फास्ट रेस्पिरेसन मापा ठीक अच्छे रेस्पिरेसन मापिला बेले आम कि भी दरकार ना छुईवाई आम केवल तार चेस्टर आम अपडाउन को देखिकी आम रेस्पिरेसन मापा देन पल्स देन आम रहा टेम्परेचर ठीक अच्छे तो भाजी आप निश्चित बुझीपारे तो आम नेक्स्ट क्वेश्चन आड़क जा तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कौन अच्छी दैट इज आठ नंबर क्वेश्चन रूट ऑफ एडमिनिस्टरिंग विटामिन के इन न्यूबॉर्न बेबी इज तो कौन कहला ना आम विटामिन के जितेबले गोटे न्यूबॉर्न बेबी को दौ तो से आम कौ रूट्रे एडमिनिस्टर करू ठीक अच्छे तो देखो ऑप्शन आईवी रे देउ ना आईएम रे देउ ना सबक्यूटेनस देउ ना इंट्रा डर्माल देउ तो ठीक अच्छे तो आम इंट्रा वेनस देउ ना इंट्रा मस्कुलर ना सबक्यूटेनस ना इंट्रा डर्माल तो कौ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ने आम विटामिन के को प्रोवाइड करू न्यू बॉर्न बेबी मान ठीक अच्छे तो देखा राइट आंसर केते पिला मानको जणा अछि आ केते पिला माने राइट आंसर तले कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दउछन्ति ठीक अच्छे तो जदि आपनको राइट आंसर जणा थाए निश्चिंत तले कमेंट सेक्शन में कमेंट करंतु आ एइबले इंटरेस्टिंग वीडियो को देखिया पई चैनल को एबे सब्सक्राइब करंतु आ जिते पार्टी आपने सेयार करूँ वीडियो को ठीक अच्छे तो राइट आंसर कौन हम दैट इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दैट इज आईएम ठीक अच्छे तो आम इंट्रा मस्कुलरली प्रोवाइड करवा विटामिन के इन केस ऑफ ए न्यूबॉर्न बेबी ठीक अच्छे तो आम विटामिन के कौन पर दिया हुए दैट इज आम ब्लीडिंग डिजॉर्डर को कंट्रोल करने तो आपको मुझे देखे दूसरी एक्सप्लेनेशन देखो एक्सप्लेनेशन कौन देला ना द इंजेक्शन इज गिवेन इन योर बेबीज थाई विदिन सिक्स आवर्स ऑफ बर्थ वन शॉट इज ऑल इट टेक्स टू प्रोटेक्ट योर बेबी फ्रॉम गेटिंग विटामिन के डेफिशिएंसी ब्लीडिंग ठीक अच्छे तो आम ब्लीडिंग डिजॉर्डर को कंट्रोल करने आम विटामिन के इंजेक्शन आम दि जाए तो आम कौ के मानने कौ रूट्रे आम दैट इज आईएम बामर रहिला जोटा इंट्रा मस्कुलरली आम कौन करूँ ना बेबी को प्रोवाइड करथाउ ठीक अच्छे तो भाव जी आप निश्चिंत बुझीपारे कि इन केस ऑफ एडल्ट आम आईवी नले आईएम नले सबक्यूटेनियस आम जेकोसी आमको आज एडवाइज्ड बाय फिजिशियन आम जेकोसी रूट्रे आम प्रोवाइड करवा तो ठीक अच्छे भाजपा आपने निश्चिंत बुझीपारे तो आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जोटा कि आपको राइट आंसर कहार अच्छे देखो इमेज बेस्ड क्वेश्चन टी कौन लेंथ ऑफ द ऑर्गन द आरो मार्क सोन इन द फोटोग्राफ इज देखु कौन कहला ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन टी ना यो इमेज रे जो फोटोग्राफ्टी देखिए जो आरो मार्क टी मेनसन अच्छी से ही अर्गान रो आरो मार्क टी जो आड़ को मेनसन अच्छी से ही अर्गान र तार लेंथ केते आपको ये पचार देखो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन जमा भी कन्फ्यूज हूँ ना जदि आपको से अर्गानी कौन जाना थोड़ा केते सेंटीमीटर जाना थोड़ी आपने सांगे सांगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करदे ठीक अच्छे देखो ऑप्शन कह रखुची दस सेंटीमीटर ना पंद्रह सेंटीमीटर ना पचीस सेंटीमीटर ना चालीस सेंटीमीटर
तो राइट आंसर कौन हम आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करार अच्छी तो जब राइट आंसर जना था सांगे सांगे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिंतु आम आपर कमेंट अपेक्षार अच्छू आउ हाँ जो पाने सब कमेंट सेक्शन में पार्टिसिपेट करते बहुत बहुत धन्यवाद। तो यही भाव पार्टिसिपेट कले ही आप नॉलेज भी बढ़ ठीक अच्छे तो देखो आर राइट आंसर कौन हम जब आपको जना था भलसे इमेज टी देखिकी देन ऑप्शन टू राइट आंसर बाछिकी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिखाँ जब आपको राइट आंसर जना न था देन नेक्स्ट वीडियो को वेट करूँ आम नेक्स्ट वीडियो में आर राइट आंसर आपको फुल्ली एक्सप्लेनेशन सहित जनईदेव ठीक अच्छे। तो आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 10 नंबर कौन दे ना इम्युनोग्लोबुलिन प्रेजेंट इन ब्रेस्ट मिल्क इज तो आमर कौ इम्युनोग्लोबुलिन ब्रेस्ट मिल्क रे प्रेजेंट थाए ठीक अच्छे। देखो आईजीजी ना आईजीए ना आईजीएम ना आईजीडी तो कौ इम्युनोग्लोबुलिन आम ब्रेस्ट मिल्क रे प्रेजेंट थाए तो देखा कैसे पिला राइट आंसर जना तो जानते हैं आपने यही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन निश्चिंत आसे तो आर राइट आंसर कौन हम दैट इज आईजीए तो आईजीए आमर कौन ना ब्रेस्ट मिल्क रे आमर इम्युनोग्लोबुलिन प्रेजेंट थाए आमर आईजीजी आउ आईजीएम भी ब्रेस्ट मिल्क रे प्रेजेंट थाए कि बहुत माने लेस अमाउंट थाए तो से राइट आंसर कौन दैट इज आईजीए। तो देखो द मोस्ट अब्यूडेंट इम्युनोग्लोबुलिन इन ह्यूमन मिल्क इज एस आईजीए दैट इज व्हिच रिप्रेजेंट्स ओवर 90% ऑफ मिल्क एंटीबॉडीज हाउ एवर इम्युनोग्लोबुलिन जी एंड एम आर ऑल्सो प्रेजेंट बट इन कंसंट्रेशन मच लोअर देन आईजीए तो कौन कहला ना आमर जोटा कि रहा आईजीए इम्युनोग्लोबुलिन आमर से बहुत मात्रा रे प्रेजेंट थाए ब्रेस्ट मिल्क रे तो से जोटा कि आमर यहाँ राइट आंसर है क्वेश्चन बहुत थोड़ा रिपीटेड होती तो आमर ब्रेस्ट मिल्क रे कौ इम्युनोग्लोबुलिन अच्छी दैट इज इम्युनोग्लोबुलिन ए ठीक अच्छे। तो जोटा कि रहा आमर आईजीए तो ठीक अच्छे भाजपा आपने बुझीपारे देखो यहाँ हूँ आम फोनपे और पेटीएम नंबर जब आपको भिडियो टी भी हेल्पफुल लगी था टी भी इनफर्मेटिव लगी था देन आम हार्डवर्क आपने सपोर्ट करने चाहते देन आपने किसी भी पे करेंगे जो पाने पेमेंट कर तार स्क्रीनशॉट हमको हम व्हाट्सएप नंबर डायरेक्ट सेंड करूँ आम ऑलरेडी गोटे ग्रुप तैयारी कर सारी आज से बहुत पिलाने भी पार्टिसिपेट कर सारे आम से वोट पुलिस रिगार्डिंग किसी भी टिप्स किसी भी आम क्वेश्चन आंसर आपको जहाँ भी सब डाउट रहा है डिस्कसन करूँ तो जदि आपने जॉइन होगा चाहते ये आपको कैपेबल अनुजाई आपने 100-200 जहाँ भी आपने पेमेंट करी जल्दी जल्दी आमको स्क्रीनशॉट शेयर कले आम आपको स्पेशल ग्रुप से आपको जॉइन करदेव ठीक अच्छे। यहाँ थी आज भिडियो लास्ट क्वेश्चन एमती भिडियो को देखने चैनल को सब्सक्राइब करूँ और बेल आइकन को रखु आउ हाँ जब आपको भिडियो टी भी भल लगी है टी भी इनफर्मेटिव लगी है निश्चित भिडियो को लाइक करूँ कमेंट करूँ आपको सांग सहित आपको सब ग्रुप भिडियो को सेयर करूँ जमीक सब पिला भिडियोर लाभ पारे आउ हाँ जब आपने व्हाट्सअप आउ टेलीग्राम ग्रुप जॉइन होना तो तले डिस्क्रिप्शन में लिंक अच्छी जाकर शीघ्र शीघ्र जॉइन होती से आपको जहाँ भी डाउट अच्छी आमको पचारि पारे आउ हाँ आम से किसी भी अपडेट किसी भी न्यू भिडियो आम आपको आग प्रोवाइड करूँ तो ठीक अच्छे ग्रुप में जाकर सांगे सांगे जॉइन होती आमको यही भाव सपोर्ट करूँ आम आपको यही भाव इंटरेस्टिंग भिडियो प्रोवाइड करूँ तो ठीक अच्छे। आज ये भिडियो को रखा नेक्स्ट देखा एमती गोटे इंटरेस्टिंग भिडियो सहित तो आज रही जय जगन्नाथ।